नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनटी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज असम्बली हल्के नामपल्ली के तहत कुमारवाड़ी इलाके का दौरा किया और वहां रहने वाले कुमार तबके के लोगों से मुलाकात की। मद्देनजर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुमार तबका जो बरसों से मट्टी के बर्तन बनाने के पेशे से वाबस्ता है, बहुत पसमानदा है। इस पेशे से वाबस्ता अफराद को असरी तकाजों से हम आहंग करने की जरूरत है और इस सनत को फरोग दिया जाना चाहिए। वो इस सिलसिले में मुकम इंडस्ट्री से नुमाइंदगी करेंगे। इस दौरे में विजयनगर डिवीजन और मल्लेपल्ली डिवीजन के नुमाइंदा कारपोरेटर्स मोहम्मद वसीम, हाजा मोइनुद्दीन के अलावा मजलिसी कायदीन की बड़ी तादाद उनके हमराह थी। आज आसिफ नगर कुमारवाड़ी जो हल्के नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टेंसी में आता है, विजयनगर कारपोरेटर डिवीज़न में, उसमें एक दौरा किया गया। यहाँ पे हमारे कुमार भाइयों के बहुत मसाइल थे, उस मसाइल के से वक्फियत करने के लिए मैं खुद ख़ास तौर से आया हूँ। जब आके मैं यहाँ देखा तो जो हमारे कुमार भाई है, ये लोग बरसा बरस है, सवों साल से जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो मिट्टी का काम होता है, जिसमें तंदूर होते हैं और भी चीज़ होते हैं, जैसा फ्लावर पार्ट्स होते हैं, सुराही होते हैं, घड़े होते हैं, कुंडे, ऐसे काफ़ी चीज़ बनाते हैं। मगर आज हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ में डेवलप आया, मगर इन लोग को डेवलप करने के लिए कोई हुकूमत नहीं सोची है। तो इसके लिए ख़ास तौर से मेरा आने का मकसद ये है कि मैं मेरे कुमार भाइयों से ये मालूमात करना चाह रहा हूँ, इसमें क्या एडवांसमेंट आया, इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। जैसा आज एक देखा मैंने, एक पुरानी भट्टी है जो बर्तन बनता है, जो मिट्टी का जो भी पार्ट्स बनते हैं उसको भट्टी में जलाया जाता, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भट्टी लगी है, भट्टी के ऊपर शेड नहीं है। अगर फ़र्ज़ करिए ये भट्टी जल रही है, शेड नहीं रहने की तरफ से अगर बारिश होती है तो गरीबों का काफ़ी नुकसान होता है। तो मैं इमीडिएट देखते मैं ये सोचा हूँ कि ये शेड को इमीडिएट डलाया जाएगा। अगर किसी वजह से हुकूमत नहीं डालती है तो मैं ख़ुद अपने ओन पैसों से ये शेड डलाऊँगा और जल्द से जल्द मेरे भाइयों की मदद करूँगा। और इसके अलावा जो मैनुअल काम हो रहा है, इसमें मैं ये कहा हूँ कि इसमें क्या एडवांसमेंट आया, क्या चीज़ हो सकती है उसको बताइए। इंशाल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर मैं पूरी नुमाइंदगी करके कोशिश करके आने वाले टाइम में एक एक स्टेप को आगे बढ़ते हुए इसको बेहतरीन अंदाज से हम यहाँ पर पेश करेंगे। मेरे साथ में विजयनगर नुमाइंदा कारपोरेटर वसीम साहब है, आसिफ नगर नुमाइंदा कारपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन के साथ साथ हमारे आज जो कुमार भाइयाँ हमारे साथ में है और जो चेयरमैन है यहाँ के, मैं इन सब को मुबारकबादी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो भी आपके मसाइल है, भला कुछ भी हो, आप हमारी नज़र में लेके आइए। मजलिस की पॉलिसी ये है कि असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास सदारत में और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम बग़र कोई उसके लोगों का काम करना जानते हैं। चूँकि एक बात ये देखिए कि ऊपर वाला जब जमात को यहाँ से जिताया है तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि तमाम लोगों का काम करे, जिसके अंदर आपकी बस्ती की अहमियत हमारे पास इतनी ज़्यादा है। चूँकि आज मुझे देखने पर यह पता चलता है कि आप लोग अभी भी वही 100 साल 200 साल पुरानी ज़िंदगी के हिसाब से ही अपना काम कर रहे हैं, तो इसको एडवांसमेंट लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं हमारे चेयरमैन साहब का भी साथ लूँगा, यहाँ के नौजवानों का और जितने भी लोग यहाँ पे रिस्पांसिबल है, जो आज बर्तन बना रहे हैं और जो भी चीज़ यहाँ पर मिट्टी के बना रहे हैं, इन सब के, चूँकि मेरा मुझे अच्छा याद है हम भी मिट्टी की बर्तन की दाल खा के ही बड़े हुए हैं, समझे ना। दाल का आज भी अगर कोई मज़ा आता है तो मिट्टी में बनाए तो ही मज़ा आता है, वो ऊपर वाले की लीला है, ऊपर वाले को मालूम है जिस मिट्टी में स्वाद होता है वो मिट्टी आज कितना भी हो जाए, चाहे स्टील का बर्तन हो या कवोए और बर्तन हो, वो स्वाद नहीं आ सकता है। मगर हम ये लोगों को बराबर ज़िंदा रखने की पूरी इसीलिए कोशिश करेंगे ये इंडस्ट्री को, ताकि ये लोग हमेशा रहेंगे तो हमारी जो पुरानी तहजीब है, जो पुराना कल्चर है, वो उससे आने वाली नस्ल, आने वाले बच्चों को वक्फियत हासिल करेंगे। आज जितने लोग भी आज के दौरे में शरीक हुए, मैं इन सब का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं
کوئی بھی اگر آپ کا پرابلم ہے تو آپ ضرور بضرور صبح 11 بجے سے 2 بجے تک میں دارالسلام پہ بیٹھتا ہوں، آخر 3 بجے سے لے کے شام میں 6 بجے تک میں ہمایوں نگر کی نامپلی کانسٹیٹنسی آفس پہ بیٹھتا ہوں، آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ضرور بضرور آپ کا کام کر کے دوں گا۔ تھینک یو۔